life is very unpredictable, honestly. Matlab, I was just discussing this with my friend and we were like, this is such a sad news and such a sad news to start your day with. But along with that, I think मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी that please get your cervical cancer vaccine ASAP because मुझे भी लेनी है and I think it's very very important और इसके बारे में हम जितना आसपास अपनी दोस्तों को और लड़कियों को अवेयरनेस देंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है so I mean I just hope that her soul rests in peace. वेरी सैड न्यूज़ मैंने देखा सुबह, बहुत ही सडन था, बट मे हर सोल रेस्ट इन पीस और उनकी फैमिली को भी भगवान शक्ति दे आ रही है इस दौर से गुजरने की. बट पूनम पांडे के निधन की खबर ने सच में हर किसी को हिला कर रख दिया है. बी टाउन स्टार से लेकर आम जनता तक पूनम की 32 साल की उम्र में मौत हो जाना सच में काफी शॉकिंग खबर थी. जिसने भी सुना वह हैरान रह गया कि अचानक ऐसा क्यों हो गया. बहुत से स्टार्स के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. इस पर टीवी एक्ट्रेस हैली शाह का भी रिएक्शन सामने आया. उन्होंने कहा कि लाइफ में क्या हो जाए कुछ पता नहीं. इसी के साथ उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट भी की, सुनिए उन्होंने क्या कहा. गाड़ी में मैं, I don't know, मतलब इट्स लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल ऑनेस्टली. मतलब आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माय फ्रेंड एंड वी वर लाइक दिस इज सच अ सैड न्यूज़ एंड सच अ सैड न्यूज़ टू स्टार्ट योर डे विद. But along with that, I think मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी that please get your cervical cancer vaccine ASAP because मुझे भी लेनी है and I think it's very very important और इसके बारे में हम जितना आसपास अपनी दोस्तों को और लड़कियों को अवेयरनेस देंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है. So I mean I just hope that her soul rests in peace. ईशा मालवीय का भी पूनम पांडे की मौत पर रिएक्शन सामने आया है. सच में बहुत बुरी खबर है. भगवान उनकी फैमिली को इस दौर से निकलने की हिम्मत दे. सुनिए और क्या कहा. हाँ यार, इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़. मैंने देखा सुबह, बहुत ही सडन था, बट मे हर सोल रेस्ट इन पीस और उनकी फैमिली को भी भगवान शक्ति दे आ रही है इस दौर से गुजरने की. बट वही राखी सावंत का भी रिएक्शन सामने आया है. वही वह कहती दिख रही हैं कि पूनम उनकी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं बताया कि उन्हें कैंसर है. कैंसर का पता चलता तो शायद कुछ होता, इलाज करवा लेती. आजा मेरी दोस्त वापस, किधर है तू? कोई अपने लोगों को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? तूने अपना दर्द हमसे शेयर भी नहीं किया. हम तेरे दोस्त है, मैं तेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, तुझे शेयर करना चाहिए था दर्द. मैं जानती हूँ कैंसर के बारे में. मैं मोदी जी के पास गुहार लगाती तेरे लिए, या सारे डॉक्टरों को मिलाती कैंसर से बड़े बड़े. संजय गुप्ता करके डॉक्टर है, बहुत बड़े, मेरी माँ के स्पेशलिस्ट. तुझे मैं ले जाती, तूने बताया भी नहीं कि तू इतने दर्द में है. यार तेरे सुख में नहीं बुलाती, तेरे दुख में तो बुलाती तेरी बहन को. पूनम तू बोल, तू मजाक कर रही है मेरे साथ? ये मजाक है ना, ये मजाक है ना पूनम, तू मजाक कर रही है ना? कंगना रनौत, करण कुंद्रा, मुनावर फारूकी सब ने उनकी मौत पर शोक जताया है. कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही. लेकिन आपको बता दें कि पहले खबरें आई थी कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर के चलते मौत हुई है, जबकि बाद में पूनम के ओवरडोज की खबर आई. हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने किस पदार्थ का सेवन किया था. खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पहले उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. फिलहाल उनका शव कहां है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.